फैमिलीज थी और जूरी मेंबर है ना, मामी के साथ लगता है कि ये संबंध खत्म ही नहीं। Emotions are same. I'm still as excited as last year. I still feel like an audience of Mami, where I can see some beautiful international films as well as national. So emotion तो same है, मतलब बहुत मजा आ रहा है। इस बार ये है कि entry आराम से वो मिल गई है। Actually जो मेरी category थी Mumbai Dimension, उसमें मैं थे सुजीत सरकार, अनिरंजन आयंगर, अपना तिस्का चोपड़ा एंड वन मोर डायरेक्टर। तो हम लोग के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारी जो फिल्म थी वो 5 minutes की फिल्म थी और 20 films थी। तो लकीली हम सब जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर थे जब फिल्म को डिसाइड करने का वक्त आया, तो इट वॉज क्वाइट ईजी। शाहिद शाहिद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, जो लोग भी देख रहे हैं बहुत बहुत मेल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं और सब ने रिव्यूज अच्छे लिखे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गॉड कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो डेट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज मेरी जो फिल्म है सिटी लाइट्स भट्ट जी के साथ वो है, तो अभी देखते हैं, डेट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्वीन फिनिश हो चुकी है, क्वीन आ रही है फरवरी में और बहुत ही क्यूट फिल्म है, बहुत मज़ेदार। वो ये तो मेरा शहर है, मैं मानता हूँ मेरा शहर है और यहाँ नॉमिनेट हुई है, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। वेल ये तो मेरी पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही रंगीन रहा, बहुत अच्छा रहा, और जो रेंज है फिल्मों की यहाँ इस बार जो दिखाई जा रही है वो रेंज देख के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल फरवरी मार्च में फिल्म दिखाई जाए। बस अभी इसके अलावा जैसे ज़्यादातर डायरेक्टर्स होते हैं, हम जगल करते हैं काफ़ी, 3-4 प्रोजेक्ट्स रहते हैं हमारे, तो उसमें से जो भी प्रोड्यूसर्स के हाथ में गिर जाए अच्छी तरह वही शुरू करेंगे। थैंक यू। बहुत ही मुश्किल प्रश्न है ये, आप आके देखिएगा, पर पार्टीशन के वक्त में पंजाब में फिल्म सेट है और इट्स अबाउट अ फादर who wants a son, but and his struggle and his, you know, desperate struggle to have a son. The story is about that. It's about that sense of longing and the sense of loss set during the partition. No, because he's so kind and he, Irfan is just so generous and he's so much fun. Shoot ke beech mein suddenly you'll find him flying a kite somewhere or playing cricket, and he's just he's a wonderful actor, he's also a wonderful human being. So I have no idea, the fact that hum aise ek film ban pa, it could be made is in itself a victory, so I feel we've already won. Thank you very much. बहुत अच्छा रहा, पिक्चरें बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स। एक्चुअली मुझे फेस्टिवल्स इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि जिन जगहों पर हम जा नहीं सकते, जिन लैंडस्केप्स से हम बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं, उन्हें देखने का मौका मिलता है, विच इज़ वाई आई लव फिल्म फेस्टिवल्स। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और एक हफ्ते का है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, बट इट वॉज लवली। बहुत सारी फॉरेन फिल्में एक्चुअली अच्छी थी। मैं हमेशा देखती हूँ कि कोई हिंदी या मराठी या कोई भी रीजनल इंडियन पिक्चर अच्छी निकलेगी, लेकिन इस बार अच्छी थी लेकिन फॉरेन ज़्यादा अच्छी थी। एक पिक्चर जिसका नाम था ग्लोरिया बहुत अच्छी थी, एक पिक्चर था जिसका नाम था गुड टू गो बहुत अच्छी थी, एल्फी द शेपर्ड 9 मिनट की छोटी सी एक शेपर्ड के बारे में फिल्म बहुत अच्छी थी सारी। थोड़ा बहुत तो मुश्किल था, थोड़े डिस्कशंस हुए, लेकिन आधी बहुत अच्छी थी और आधी ठीक ठाक थी, तो इतना मुश्किल नहीं था। होपफुली नेक्स्ट ईयर जल्दी से जी, अभी आई होप कि अगले साल से शुरू होगी। कास्टिंग अभी थोड़ी सी बाकी है, स्क्रिप्ट हो गई। आ
बहुत अच्छा लगा. आई थिंक एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है बतौर एक्टर टू बी ऑन द ज्यूरी, टू मीट न्यू पीपल, टू इंटरेक्ट विद द अदर डिफरेंट ज्यूरीज, टू वॉच सम अमेजिंग फिल्म्स, एंड देन द बेस्ट पार्ट इज देन सिट एंड डिस्कस एंड यू नो व्हाट यू डू अदरवाइज. I like this film, I don't like this film, why did you like this film, all that coming, and here you come up with the responsibility of doing that, and I'm glad we came to a good consensus and we unilaterally decided what we really liked, and so I'm very happy today. It's been a beautiful experience doing this. Well, there were lots of films I really liked, but there was a tough competition. There was Gloria, there was 16 going on 12, there was Good to Go, there was The Shepherd, so lots of films. What did you look in the movies that you feel that this movie is the best? What are the elements you look for? I guess you look in totality, what really touched you. And it's not a particular thing you would ever see in a film. You would see in totality and just which film you took home beautifully. And our thing was celebrating age. So we had to see which film really celebrated age in its own way and its own uniqueness. And I think the films that we've selected, I hope we are right about it. Thank you. First time I'm on the jury in Mumbai. I've been on the jury before in Barcelona, but it was a very special experience. I saw lots of films, 3 to 4 films a day, and it was a really refreshing change from shooting films to just watching films from all over the world and debut films especially. And I think we first films, the competition that I was selecting, it was all first time films, and I think the first films have something really special because it's something that the director has been dying to make for some time. So they bring a lot of heart to the film, so I've really enjoyed it. I think that it should, you know, the aim is to help filmmakers find a platform. If we think that the film is good, then we are hoping because of this festival more interest will be generated in it, and you know there'll be more publicity and people will be interested to come and watch it. So we wish them all the best. Well, right now I'm shooting a Bengali film called Kadambori. She is Rabindranath Tagore's sister-in-law and muse. And she committed suicide. And it's a very interesting biopic. Because it's such an interesting offer I didn't get. I Dayan mujhe interesting laga kyunki it was a very evil, different kind of character, and after that I'm reading a few scripts but I haven't found anything interesting yet. Last question, na? Yeah. I was really shocked and very sad to hear of his passing because we've grown up on his songs and I have a lot of respect and a lot of love for Manade, and he'll be missed. Thank you. मैं इस बार दोनों साइड पे हूँ. मेरी फिल्म कंपटीशन में भी है किस्सा, इंडिया गोल्ड सेक्शन में, और जूरी मेंबर भी हूँ, तो दोनों साइड से हूँ. बहुत मज़ा आया और हैरानगी होती है, कुछ साल पहले तक काम नहीं था, अब जूरी मेंबर हूँ. अमेजिंग फीलिंग. और मुंबई का अपना फेस्टिवल, फ्लाइट पकड़ के कहीं जाना, फेस्टिवल अटेंड करना, उससे कहीं अच्छा है कि कार में बैठना और मुंबई में आना. बहुत मज़ा आया, ग्रेट. एक्चुअली मैं अपनी फिल्म की जूरी नहीं हूँ, वो दूसरा सेक्शन है, इंडिया गोल्ड सेक्शन है, और मैं शॉर्ट फिल्म्स की जूरी में हूँ. इट वॉज एब्सोल्यूटली फैबुलस एंड लेट्स होप वी विन. फायदा नहीं हो पाया, अगर होती तो शायद फायदा लेती आप. 100% क्या बात कर रहे हैं आप, अगर मैं जूरी में होती तो मैं ज़रूर अपनी फिल्म को जितवाती. क्या बात कर रहे हैं आप. आई थिंक न्यू एंड सेंसिबल फिल्म मेकर्स को हेल्प करता है, नेसेसरली न्यू एंड बैड फिल्म मेकर्स को हेल्प नहीं करता. आई थिंक फिल्म फेस्टिवल को रिस्ट्रिक्ट करके ही बात करते हैं. थैंक यू. क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आई द बेस्ट विच कुड हैपन टू द फिल्म. इट्स अ वेरी डियर फिल्म टू मी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म एंड आई थिंक दिस इज अ फिल्म विच विल बी टॉक्ड अबाउट लेटर बिकॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस फिल्म जर्नी एंड आई विश दिस फिल्म बेस्ट एंड आई होप फॉर द बेस्ट.
It gives you exposure, it gives the audience exposure, it gives the filmmakers exposure, and it's a chance to see the, for the audience to get accustomed to different kind of filmmakings and, you know, films which you won't be able to see otherwise. मुझे तो पता है नहीं, अभी तक किसी ने ऑफर किया नहीं है, सो आई डोंट नो. हाँ, मुझे ऑफर नहीं किया गया है, जब ऑफर किया जाएगा तो मैं ज़रूर उस पर रिएक्ट करूँगा. जी हाँ, अगर सी कोई आदमी अगर अपना जर्नी पूरा ठीक ठाक तरीके से करता है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और सबको जाना है एक ना एक दिन. आदमी ने ज़िंदगी कैसी गुजारी है, अगर फुलफिल्ड ज़िंदगी गुजारी है और अच्छे से जर्नी पूरा किया है तो वो तो ख़त्म होना ही है सबका, तो वी मस्ट सेलिब्रेट. अगर किसी आदमी का ठीक से जर्नी पूरा नहीं हुआ है और कुछ चीज़ें रह गई हैं तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए. ये मेरे पास एक दवा है, उसकी एक राज है. मैं आपको बताऊँगा उसका राज. मैं बहरूपिया, मेरा काम है बहरूपिया, मैं बहरूपिया मेरा धंधा है, रूप बदलना मेरा काम है, उसके पैसे मिलते हैं मुझे. ओके, और स्टाइल के बारे में? वो भी एक रूप बदलने में ही आता है ना, कभी स्टाइल है, कभी स्टाइल वाला लुक होता है, कभी स्टाइल के बगैर लुक होता है.